हेलो गाइस, वेलकम विकास एकेडमी। तो प्रोजेक्शन प्लेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्रॉब्लम करेंगे जो कि सर्किल से ही रिलेटेड होगा, बट इस टाइम जो सर्किल होगी हमें वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड होगी। तो क्वेश्चन भी हम खुद सपोज करते हैं और इसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक सर्किल है। सर्किल की जो डायमीटर होगी वो हमारी होनी चाहिए 50 mm, जैसा कि पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में था। 50 mm डायमीटर होगी और इंक्लाइंड होगा ये किसके, इंक्लाइंड होगा 45 डिग्री टू HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड होगा, ठीक है। और इसकी जो सेंटर होगी, सेंटर जो होगी सर्किल की, सेंटर जो होगी वो होगी 20 mm, मान लीजिए 20 mm एबव होगी, एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर होगी और जो वर्टिकल प्लेन है उसकी क्या होगी, वर्टिकल प्लेन से ये वीपी से क्या होगी, वीपी से ये होगी फिर 20 mm, क्या हमारी अवे अवे 25 mm कर देंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चले, 25 mm दूर होगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, रफली करेंगे हम, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये देखिए कंडीशन आपको दिखनी चाहिए, ये कंडीशन हमारी। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे, ये एक्स वाई हमारी रेफरेंस लाइन होगी, ये आपको अब दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे तो सबसे पहले इंक्लिनेशन हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन से है 45 डिग्री, जैसा कि हम देख रहे हैं 45 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रेस्ट करा देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये हमने रेस्ट करा दिया, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसे रेस्ट करा दिया। और वर्टिकल प्लेन से इसकी जो दूरी है, इस सेंटर की दूरी मैंने बताया है, तो ये जो दूरी है हमारी वर्टिकल प्लेन क्या है, हमारी एक्स वाई एक्सिस, यही यहाँ से, मतलब इसकी जो दूरी है वर्टिकल प्लेन से, ये देखिए 25 mm हमारी दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊंचा है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितना ऊंचा होगा वहाँ से हम इसे, हमारी 20 mm है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 20 mm लेंगे, ये 20 mm, और यहाँ पर हम इसे सेंटर बनाएंगे इस सर्किल की। तो हमें जो फ्रंट फ्रंट व्यू मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी 20 mm एबव द एक्स वाई एक्सिस सर्किल की, ठीक है, मतलब फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू तो हमें क्या कराना है, रेस्ट करा देना है इसे, सॉरी इसे रेस्ट करा देनी है हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हम अब क्या करेंगे, अगला स्टेप ये होगा कि हम इसे 12 इक्वल पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 12 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे, सॉरी इसे डिवाइड कर लिया, नेमिंग आप खुद कर लेना फ्रेंड्स। तो 12 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर लिया और ये हमारी क्या हो जाएगी, टॉप व्यू हो जाएगी। ये हमने इसे यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट कराया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टॉप व्यू। सारे प्रोजेक्टर्स को हम प्रोजेक्ट करा लेंगे यहाँ पे, ये देखिए हमने इसे प्रोजेक्ट करा लिया। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है, तो वर्टिकल प्लेन पे हम 45 डिग्री एंगल बना देंगे और इसे मेजर करके, मान लीजिए ये है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 1 से 2 की डिस्टेंस यहाँ मेजर करेंगे, 1 से 2 की डिस्टेंस, 1 से 3 की यहाँ मेजर करेंगे, 3 से 4 की यहाँ, 4 से 5 की यहाँ, सॉरी 1 से 4 की यहाँ, 1 से 5 की यहाँ, 1 से 6 की यहाँ, 1 से 7 की यहाँ, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम वर्टिकल डाउनवर्ड हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कराएंगे इन पॉइंट से, लाइन प्रोजेक्ट कराएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये, सॉरी ये हमने प्रोजेक्ट कराया और यहाँ से हॉरिजेंटली हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्ट कराएंगे इन लाइंस को, ये देखिए। और फाइनली यहाँ से अब ये सेंटर वाली लाइन हमारी यह है, उसी तरह से हमें कोरस्पॉन्डिंग लाइन यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ मिल जाएगी। और ये बाद बाकी ये जो पॉइंट्स है हमारी, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, 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 इस तरह से आपको पता है फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और फिर हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमें बस ध्यान देना है कि हमारी जो प्लेन है, ये जो प्लेन जो रखी थी, सबसे पहले हमें उसे कंसिडर करना है कि प्लेन हमारी रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, बाद में हम उसे इंक्लाइन करा लेंगे। तो हम उसे प्लेन को जब यहाँ पे मैंने रखा, तो उसकी सेंटर जो है अवे जितनी है उतनी, कितनी अवे है हमारी, वर्टिकल प्लेन से 25 mm अवे है। तो 25 mm, ये देखिए 25 mm अवे है, तो हमने 25 mm क्या किया है, उसे इस एक्स वाई एक्सिस के बिलो में ड्रॉ कर लिया उस सेंटर को, यहाँ पे ये देखिए, ये सेंटर की 25 mm ये हमारी डिस्टेंस है।
अब क्या है, हमने इसे 25 mm नीचे ड्रॉ किया, अब ये ऊपर कितनी है, इसकी जो सेंटर है वो कितनी ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर भी तो दी गई है कि 20 mm एबव 20 mm द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम क्या करेंगे, 20 mm एबव हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसकी इस सर्कुलर प्लेट की फ्रंट व्यू होगी हमारी, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी फ्रंट व्यू है जो कि हमारी एक्स वाई लाइन से 20 mm अबे है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।